أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة کی 188 نمبر آية مباركة هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون मुबारक की शान रमज़ान का मकाम और रम़ान में फ़र्ज़ होने वाले रोज़ों का ज़िक्र पीछे गुज़रा रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं तक़वा, बातनी तहारत के हसूल के लिए उसका ज़िक्र हुआ अल्लाह ताला ने रोज़े की हालत में हलाल करदा चीज़ों को इस्तेमाल करना मना फरमा यानि हम खाएँ नहीं पिए नहीं और अपने हकूक़ जोजियत अदा नहीं करें आम हालात में ये चीज़ें जायज़ हैं लेकिन रोज़े में ये चीज़ें मना हो गई उसकी एक वजह ये है कि ताकि हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से रोका है इनसे रुकना है तो जब हलाल चीज़ों से अल्लाह ने रोक दिया तो गोया ये सलाहियत पैदा करना मकसद है कि अल्लाह ताला की हदूद पर हमने रुक जाना है उसको क्रास नहीं करना तो जब हलाल करदा चीज़ों को मना कर दिया गया इससे इस ये समझ आती है कि फिर अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हमने किस ज़्यादा अहमियत से इस्तेमाल नहीं करना यानी उससे ज़्यादा हमने रुकने का और उससे परहेज़ करने का हमने मुज़ाहरा करना है तो खाने पीने और दीगर चीज़ों के हवाले से हमें मना किया गया और अब जब रोज़ों का जिक्र ख़त्म हुआ और एतकाफ़ का जिक्र मुकम्मल हुआ उसके बाद अब हमें कुछ माली हकूक़ और माली मामलों के हवाले से इरशाद फरमाया जा रहा है फरमाया वाता कुलवाल कम बम बिलबातिल तुम एक दूसरे के माल को बाहम एक दूसरे के माल को बातिल तरीक़े से मत खाओ बतुदलू बिहाल हुक्काम और ना ही उस माल के जरिए हुक्काम की रजा हासिल करने की कोशिश करो यानी उस माल को लेकर हुक्काम तक पहुँचो और उनको राज़ी करने की कोशिश करो लिता फरीका मिन अमिन अम ताकि तुम लोगों में से किसी फरीक़ का माल खाओ बिल इस्मी गुनाह के साथ व अन तुम और तुम्हें इसका इल्म है कि तुम ये गुनाह कर रहे हो तुम ये ना हक किसी का माल खा रहे हो तो यहाँ पर यानी जब रोज़े में हलाल करदा चीज़ों से मना किया गया तो अब यहाँ पर हराम चीज़, करदा चीज़ों का जिक्र हो गया कि तुमने किसी का माल बातिल तरीक़े से यानी नाजायज़ तरीके से किसी का माल खाने की हथियाने की ले लेने की कतन इजाज़त नहीं है अब वो बातिल तरीक़े में सारी ममनुआ चीज़ें आ गईं जिससे अल्लाह तबारक वाली ने हमें रोका है सूद ये बातल तरीक़ा है किसी का माल हथियाने का रिश्वत इसी तरह जुल्मन किसी का माल ले लिया गसब कर लिया चोरी कर लिया ये सारे वो तरीक़े हैं जिसको बातल तरीके से माल खाना कहते हैं तो अल्लाह तबारक व ताली ने इसकी यहाँ पर ममानत फरमा दी तो इससे हमें ये इल्म हुआ कि वो तमाम मामलत जो नाजायज़ तरीके से किसी के माल को हासिल करने का ज़रिया बने माल को हासिल करने की वजह बने वो जायज़ नहीं हैं उनसे हमें गुरेज करना चाहिए उनसे हमें एहतियात करनी चाहिए अल्लाह तबारक वाली ने जो अल्लाह के बंदों के हक़ूक़ हैं उनका बड़ी तफसील से ज़िक्र किया और हम ये आम तौर पर ये बात समझते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तला गुनाहों को मवा करने का फरमाता है कि अगर तुम ये अमल करोगे तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूँगा तोबा करोगे तुम्हारे गुनाहों को मावाफ़ कर दूँगा तो हम अल्लाह के हकूक़ की तोबा करते रहें तो अल्लाह अपने हकूक़ तो मुआफ़ फरमा देगा लेकिन अगर अल्लाह के बंदे उनके हकूक़ हमने अदा नहीं किए तो वो अल्लाह मुआफ़ नहीं फरमाएगा जब तक कि वह बंदा मुआफ़ न कर दे और बड़ी मरूफ़ हदीस है बारहा मैंने इस हदीस को अर्ज़ किया है नबी अलैहि ला वसल्लम ने साहबा कराम से पूछा मेरे साहबा बताओ मुफ़लिस आदमी कौन है तो साहबा ने उसकी हजूर जिसके पास माल नहीं है वो मुफलिस है फ़रमाया मुफलिस आदमी वो है कि क़यामत के दिन नेकियों का अंबार लेकर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा नमाज की कसरत होगी रोज़ों की कसरत होगी हज व ज़क़त वदक़ात की कसरत होगी लेकिन उसने किसी का माल खाया होगा उसने किसी को मारा होगा उसने किसी को गाली निकाली होगी नाजायज़ तरीके से किसी का माल हथियाया होगा अल्लाह तबारक वताल क़यामत के दिन उन मुतालिका लोगों को बुला लेगा और फ़रमाएगा कि तुमने इन लोगों का हक मारा था तो अब वहाँ कुछ और देने को तो नहीं होगा तो जो वो नेकियाँ नमाज रोज़े और हज व की सूरत में नकियाँ लेकर गया था अब वो नकियाँ उन लोगों को दे दी जाएंगी उसकी नमाज़ें वो ली जाएंगी और जिसके पैसे खाए थे उसको वो नमाज़ें दे दी जाएगी वो बंदा चला जाएगा जिसको मारा था वो आ जाएगा फिर उसकी निकियाँ उस मार मार वाले बंदे को दे दी जाएंगी जिसको गाली निकाली थी ईवन के वो आ जाएगा ख़द शातम हाजा हदीस के अल्फाज हैं कि उसको गाली निकाली थी यानी जिसको हम कोई बड़ी बात समझते ही नहीं हैं किसी को गाली निकालना यह हम कोई बड़ी बात नहीं समझते लेकिन याद रखिएगा नाजायज़ किसी के साथ किया तो क़्यामत के दिन हमें नेकियों की सूरत में बदला देना पड़ेगा तो वो उसको दे दी जाएँगी वो जो लोग हैं वो नकियाँ लेकर जाते रहेंगे इसकी नकियाँ ख़त्म हो जाएंगी अब सूरत हाल ये होगी कि अभी लोग बाकी हैं नकियाँ ख़त्म हो गई हैं अब अल्लाह तबार का फरमाएगा कि अब नकियाँ तो तुम्हारी रही नहीं तो उन लोगों के गुनाह लेकर इसके खाते में डाले जाएँगे इस तरह हिसाब किताब बराबर होगा तो हुजूर ने फरमाया मुफलिस आदमी ये है कि जब अल्लाह की बारगाह में गया था तो नेकियां बड़ी थीं बहुत ज़्यादा आमाल साल उसके पास थे लेकिन क्या हुआ कि जो हकूक लोगों के उसने देने थे उसमें वो नेकियां चलती गईं जाती गईं और उसका नामा या माल खाली होता गया और फिर दूसरों के गुनाह उसके नामाया माल में आते गए यहाँ तक कि अब उसके नामाया माल में नेकी नहीं है बल्कि गुनाह है जो लोगों के हक मारे थे वो उनकी सूरत में उसको हासिल करने पड़े हैं तो इसलिए अका करीम सल्ला वसम ने फरमाया मुफलिस आदमी ये है तो यहाँ हमें यह फरमाया गया लाताकलम वाल एक दूसरे के माल न खाओ किसी के पैसे ले लिया कर्ज़ ले लिया वापस नहीं किया वैसे चोरी किसी की कर ली और चोरी करके हमने माल तो हथियार लिया लेकिन क़्यामत के दिन तो देना पड़ेगा लोगों से तो हम छुपा रखते हैं लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुपा सकते इसी तरह रिश्वत देकर नाजायज तरीके से आप एक चीज़ हासिल कर रहे हैं वो हक किसी और का है तो एक तो रिश्वत देने का गुना है और एक किसी का हक खाने का गुना है तो यानी वो किसी और का हक था रिश्वत देकर आपने वो ले लिया तो आपको रिश्वत देने का गुना भी है और ना हक किसी का जो मनसब था या जो किसी की चीज़ थी उसको हथियाने का भी गुना है इसी तरह सूद को बातिल माल करार दिया गया अब सूद से हम अपने ज़ाहरी तौर पर पैसे तो बढ़ा रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह की बारगाह में ये पैसे नहीं बढ़ते सदक़ा देने से माल कम नहीं होता और सूद लेने से माल में इजाफ़ा नहीं होता ये दो बुनियादी असूल हैं ये हमें याद रखने चाहिए हम जितना भी अल्लाह के रस्ते में सदक़ा दे लें तो उससे माल में कमी नहीं होगी अब ज़ाहरी तौर पर तो वो सौ की बजाय पचानवे हो जाएंगे नबे हो जाएंगे लेकिन अल्लाह ताली उसमें ऐसी बरकतें डाल देगा कि वो नबे पचानवे की बजाय हज़ारों से भी भारी हो जाएंगी और जो हम सूद लेकर अपने माल में इजाफ़ा करेंगे वो जाहिर तौर पर तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वो अल्लाह से एलान जंग है उसमें बरकतें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी इसी तरह बाकी नाजायज़ तरीके से जो माल हासिल करना है तो इससे मना फरमाया गया है बतुदलू भी हाईलक्म और यहाँ पर ये ज़िक्र किया गया कि तुम उन पैसों की बदौलत जो हुकाम बाला हैं अफसरान हैं उनकी खुशनुदी हासिल करते हो उनकी रज़ा हासिल करते हो कि चलो इनको कोई माल खिलाते हैं तो हमारे काम आएंगे तो फ़रमाया कि ये भी बातिल तरीका है अल्लाह तबारक व ताली को ये पसंद नहीं है और ये गुनाह है और बातिल तरीक़े से माल खाने के जुमला गुनाहों में ये एक बड़ा गुनाह है कि हम बड़े लोगों की जो हुकाम हैं क़ी साहबान हैं बड़े अफसर हैं हम उनको रिश्वत दें ताकि वो हमारे काम करें तो फरमाया कि ये भी बातिल तरीके से और गुनाह के साथ माल खाना है इसका भी अल्लाह की बारगाह में हमें हिसाबों किताब देना होगा देखिए हमारी आ, कितनी ख़ूबसूरत तालीमात हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की और आ, अगर हम इसको अपनाएँ और हम अपने तौर पर अपने अपने तौर पर इस पर अमल करें तो हमारा मुआशरा कितना ख़ूबसूरत माशरा हो सकता है अब देखिए हम सारे जानते हैं कि हमने कोई अपना जायज़ काम करवाना हो फिर भी पैसों के बगैर वो नहीं होता हमारी सूरत हाल यहाँ पर ये यह हो चुकी है तो हम देखते हैं कि दीवारों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं अर्राशी वलमतशी किला हम फिर नार रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं दोनों में जाएंगे लेकिन वहीं पर रिश्वत ली जा रही है और दी जा रही है इसी तरह अदालतों के अंदर झूठी गवाही देकर लोग मुकदमों के फैसले गलत तरीके से करवाते हैं ये भी इसी गुनाह में सारा चीज़ शामिल है तो हमें अपने आप को इन चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है ताकि ये मुआशरा सही मानों में एक इस्लामी मुआशरा बन सके अल्लाह करीम हम सबको अमल की तोहफ़ी अता फरमाएँ आमीन, आमीन व आखिर दावाया अनहमद रबीआलमी